दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 19 मई 2023 और सुबह के 5:45 हुए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। सामने 8315 PHA 20 अटैच हुआ है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ। आज हम रावलपिंडी से जाएंगे चक पिराना और वहाँ जाके इंशाल्लाह स्टेशन भी कवर करेंगे और एक स्पीड वीक भी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खारियां पे जाके जो है वो घाट सेक्शन ख़त्म हो जाता है और आगे चक पिराना से फ्लैट सेक्शन जो है रेलवे का वो स्टार्ट होता है और ट्रेन जो है वो 105 किलोमीटर जो बुक स्पीड है वहाँ से अलाउड है। तो पहला फ्लैट सेक्शन है खारियां कैंट के बाद और ट्रेन क्योंकि वहाँ पे रुकेगी नहीं तो टिकट मैंने लिया है लाला मूसा जंक्शन तक और लाला मूसा जंक्शन से फिर हम जो है आगे जाएंगे इंशाल्लाह ऑन बाइक अपने दोस्त हसनैन राजपूत के साथ। तो 6 बजे रवाना होगी यहाँ से पाकिस्तान एक्सप्रेस कराची के लिए। तो लाला मूसा तक होपफुली इसमें अपना सफ़र करते हैं इकॉनमी क्लास में और आपको रास्ते के जो फास्ट मनाजिर हैं वो दिखाते हैं। चलते हैं अपनी 15 नंबर कोच जो है इकॉनमी क्लास उसमें बैठते हैं। सामने 102 डाउन सुबह रफ्तार रेलगार का रेक जो है वो तैयार हो रहा है जो कि 7 बजे निकलेगी रावलपिंडी से लाहौर के लिए। Thank you.
ट्रांसफर हुई है मंदरा रेलवे स्टेशन से, और पहला जो स्टॉप आएगा इंशाल्लाह 46 टाउन का वो आएगा खोजा खान रेलवे स्टेशन। रावलपिंडी से लाला मूसा जंक्शन तक का जो फेयर है वो 650 रुपये है, जो कि डिस्टेंस है तकरीबन 160 किलोमीटर के करीब, इससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और उस हिसाब से अगर किराया देखा जाए तो 46 टाउन का जो फेयर है वो बहुत ज़्यादा है, 650 रुपये। और रिसेंटली फ्यूल प्राइजेज जैसे डिक्रीज होती हैं तो जो फेयर है उतनी जल्दी पाकिस्तान रेलवे डिक्रीज करता नहीं है, तो इस बात पर भी पाकिस्तान रेलवे को सोचना चाहिए कि जितनी जल्दी ये लोग किराया बढ़ाते हैं प्राइजेज इंक्रीज़ होने पर फ्यूल की, उतनी तेज़ी ये फ्यूल की प्राइज डिक्रीज होने पर भी दिखाया करें। बज के 51 मिनट हुए हैं और ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है इस वक्त गुजर खान रेलवे स्टेशन पे, पहला स्टॉप रावलपिंडी से निकलने के बाद।
हो रही है सुहावा रेलवे स्टेशन से, और इसके बाद हम सुहावा हिल्स के अंदर दाखिल होंगे और ट्रेन हमारी तरक्की रेलवे स्टेशन से पास होगी। Thank you.
सुबह 7:40 पे ट्रेन हमारी पहुँच बना रही है पीरना रेलवे स्टेशन पे, दूसरा स्टॉप रावलपिंडी से निकलने के बाद। काफ़ी पैसेंजर बोर्ड हुए हैं जी पीरना रेलवे स्टेशन से। फोटो कापियां कौन ही दित्तियां? चल ठीक है जा फिर अल्लाह दे वाला है। पास थ्रू हो गई है चालू वाल रेलवे स्टेशन से और इसके वेरी नेक्स्ट स्टेशन जो है वो काला गुजरा और काला गुजरा के बाद झेलम स्टॉप करेगी ट्रेन हमारी। सुबह के 8:02 हुए हैं और ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है झेलम रेलवे स्टेशन पे। रावलपिंडी से निकलने के बाद तीसरा स्टॉप पैसेंजर मौजूद हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस के इंतज़ार में।
लाइन के साथ जो डाइवर्जन बनाई गई थी अंडरपास बनाने के लिए, वो बाएं जाने का नज़र आ रही है जब ख़त्म हो चुकी है, कट ऑफ हो गई है। और अभी हम कारियां से पहले जो अंडरपास बन रहा था एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए, वो मुकम्मल हो चुका है ब्रिज उसका, और उसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं और मेन लाइन थ्रू हो चुकी है।
मूसा ब्लॉक हट से पास हुई है अभी ट्रेन हमारी सामने गुड़ जा रहा है आपको लाला मूसा का और उसके बाद लाला मूसा जंक्शन सामने 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस का रेक जो है वो बिल्कुल तैयार नज़र आ रहा है 9:15 बजे निकलेगी लाला मूसा जंक्शन से कराची के लिए और 46 और 18 डाउन का जो है आपस में कनेक्शन है 8:45 का शेड्यूल अराइवल होता है 46 डाउन का लाला मूसा जंक्शन जबकि 9:15 बजे निकलती है 18 डाउन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लिया है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस को लाला मूसा जंक्शन पे और स्टेशन पे पहुंच के हमारा ये वाला सफ़र जो है ख़त्म होगा और इंशाल्लाह अगर हम जाएंगे चक पीराना जी स्नैन साहब आ गए हैं और बाइक पे हम बैठ गए और अब जा रहे हैं चक पीराना और वहाँ जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जो है वो कवर करेंगे चक पीराना रेलवे स्टेशन का जी चक पीराना का फाटक आ गया है और चलते हैं अब स्टेशन तो दोस्तों इस तरह हम पहुंच चुके हैं चक पीराना रेलवे स्टेशन जो कि लाला मूसा से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर है तो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह आप देखेंगे चक पीराना का रेल एक्शन इसमें स्पीड भी कवर करेंगे और आपको एक छोटा सा हरा भरा स्टेशन भी दिखाएंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज़।